स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने हेयर्स को, अपने बालों को अच्छे से सेट और मैनेज कैसे रखें। तो ज़्यादातर लोगों के पास हेयर ड्रायर और हेयर वैक्स जैसे प्रोडक्ट्स नहीं होते, इसी की वजह से हेयर ड्रायर के बगैर और हेयर वैक्स के बगैर आप अपने बालों को अच्छे से सेट कैसे कर सकते हैं, यही बात करने वाला है। ऐसे बाल अगर आप रखोगे तो आपके बाल कभी भी सेट नहीं होंगे, लेकिन 10 से 15 मिनट अगर आप हेयर वॉश के बाद देते हो अपने बालों को तो आपके बाल अच्छे से सेट ऐसे और मैनेजेबल रहेंगे। तो इस वीडियो में यही बात करने वाला है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आखिर तक देखना। वीडियो करते हैं शुरू। तो हमें बालों को देना है वॉल्यूम, और उसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा बालों को शैम्पू करना। तो शैम्पू करने चलते हैं। एक बात बताऊँ, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक वीक से बालों में शैम्पू नहीं किया, तो इस बात पे एक लाइक हो जाए, कर दी। आगे बढ़ता है, मैं शैम्पू करके आया। तो हेयर वॉश हमने कर दिया है, शैम्पू हो गया है। अब ध्यान रखने वाली बात और एक सीक्रेट यह है कि अगर आप अपने बालों को अच्छा वॉल्यूमाइज करना चाहते हैं, अच्छा सेट करना चाहते हैं, तो आपको उसको टॉवल से नहीं पोंछना है, आपको उसको पोंछना है एक टी शर्ट के कपड़े से। इसकी वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है और उसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा अच्छे सेट होता है। अगर आप टॉवल का यूज़ करोगे तो टॉवल से पूरे ड्राई हो जाएंगे, जिसकी वजह से अच्छे सेट नहीं होंगे आपके हेयर। सबसे पहला सीक्रेट है कि आपको कुछ कॉटन टी शर्ट से अपने बालों को पोंछना है। दूसरी टिप ये है कि ज़्यादा शैम्पू नहीं करना है। ज़्यादा शैम्पू करोगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन हो जाएंगे, मतलब कि वीक में आपको सिर्फ 2 बार शैम्पू करना है। रोज़ करोगे तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहेगा। और तीसरा है कि कंडीशनर को आपको यूज़ नहीं करना है। तो कंडीशनर को अगर आप यूज़ करोगे तो जस्टिन बाइबर जैसे आपके सीधे बाल हो जाएंगे, तो उसको भी यूज़ नहीं करना है। तो ये 3 थी टिप्स। तो अब इसको हम ड्राई कर लेते हैं अच्छे से। अब तीसरा स्टेप ये आता है कि आपको जो आपके बाल रखने हैं, मतलब कि ऐसे रखने हैं या फिर ऐसे रखने हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बालों को कॉम्ब करना है। मतलब कि मैं यूजुअली ऐसे रखता हूँ, तो अब उसको ऑपोजिट मतलब ऐसे सेट कर दूंगा। अपने हाथों से भी आप सेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम रहेगा इसकी वजह से। अगर कंघी को आप यूज़ करोगे तो थोड़े से चम्पी जैसे बाल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने कॉम्ब करके इसको रख दिया है। अब इसको रख के 10 से 20 मिनट आपको फ़ैन को ऑन कर देना है। 10 मिनट के बाद मिलता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि 10 मिनट के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में हेयर्स ड्राई हो चुके हैं। अब उसको सही डायरेक्शन में मूव करना है। आप देख सकते हो कि मूव हो चुका है। अब इसको होल्ड करने के लिए या फिर थोड़ी सी शाइन के लिए आपको लगाना है कोकोनट ऑयल, इससे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे सेट हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में लेना है कोकोनट ऑयल, और उसको अच्छे होल्ड के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर लगा देना है। बहुत जड़ में लगाओगे तो चम्पी जैसा लगेगा इसकी वजह से। तो आपके जो बाल है वो है अभी सेट, अच्छे से वॉल्यूमाइज्ड हेयर आपके रेडी है। आप यहाँ देख सकते हो और यहाँ देख सकते हो डिफरेंस सेटिंग का। तो ऐसी ही अगर 4 टिप्स आप फॉलो करते हो तो आपको हेयर्स में इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी। आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट देनी है आफ्टर वॉश हर वीक, और इसकी वजह से पूरे वीक आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे सेट रहेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो से आप सीख गए होगे कि आपको अपने बालों को अच्छे से मैनेज और वॉल्यूम कैसे देना है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है लाइक किए बिना मत जाना, और उस नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड करूँ और सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में ऐसे ही
हेल्पफुल मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।